ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने यमुनानगर के एक रिहायशी मकान में दबिश देकर वहां चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को लंबे वक्त से इस रिहायशी मकान में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे की शिकायतें मिल रही थी। दबिश के दौरान पुलिस ने तीन लड़कियों समेत एक लड़के के साथ रंगे हाथों दर दबोचा और तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसा जी महिला है सचो श्री मतलब कुलवीर कौर इंस्पेक्टर को इतला मुखबरी मिली थी कि भाई लक्ष्मी नगर में कोई महिला जो है वो चकला चलाती है, जिस पे उन्होंने रेड की तो वहाँ एक आदमी और एक और जो है आपत्तिजनक अवस्था मिले हैं जिनको एस एच ओ महिला ने काबू कर लिया। पलवल के गांव अलावलपुर में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। इसमें एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान को सील किया गया। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि उनको काफी लंबे वक्त से गांव अलावलपुर में एक झोला छाप डॉक्टर का इलाज कराने की शिकायतें मिल रही थीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर डॉक्टर सतीश नाम के युवक के कागजात की चेकिंग की जो पूरी तरह से फर्जी पाए गए। इसके बाद टीम ने दुकान से मिली दवाइयों को अपने कब्जे में ले लिया और दुकान को सील कर दिया है। लोगों की भीड़ देखकर सतीश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसा है कि हमें सीमो साहब से हुक्म मिला था कि आप लालपुर गांव स्थित झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ चेकिंग करो। तो मैं और मेरे साथ डॉक्टर जेपी प्रसाद डिप्टी सिविल सर्जन हम अपनी गाड़ी में गांव लालपुर पहुँचे और वहाँ पे डॉक्टर सतीश की दुकान जो हमने देखी वहाँ पे हम पहुँचे और वहाँ डॉक्टर सतीश बैठे हुए थे और उनसे हमने पूछताछ करी और उनको हमारे जो लिखित ऑर्डर थे दिखाए और मौका पे जो भी उनकी जो दवाइयाँ वगैरह थी और जो भी सामान पड़ा था वो हमने कब्जे में लिया और सील करा। पेरी बहादुरगढ़ मार्ग पर हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं चलने से नाराज 10 गांव के सरपंचों ने परिवहन विभाग के आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और इस मार्ग पर हरियाणा रोडवेज की बसें चलाने की मांग रखी। सरपंचों का कहना है कि बेरी बहादुरगढ़ रूट पर फिलहाल सिर्फ निजी बसें चल रही हैं जिनमें आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि निजी बस संचालक स्वतंत्रता सेनानी नेत्रहीन व्यक्ति और छात्राओं को मिलने वाली सुविधाएं नहीं दे रहे। सरपंचों का कहना है कि निजी बस संचालक लोगों से आए दिन झगड़ा मोल लेते हैं और सवारियों को बीच सफर में ही उतार देते हैं। इसके समाधान के लिए सभी सरपंचों ने बेरी बहादुरगढ़ मार्ग पर जल्द से जल्द हरियाणा रोडवेज की बसें चलाने की मांग रखी है ताकि लोगों को होने वाली दिक्कतें कम हो सकें। हम आए हैं कि हमारे रूट पर रोडवेज की बस चलाई जाए और यहाँ प्राइवेट बस है विदाउट रूट चल रही है। इनका कोई रूट नहीं है यहाँ का बेरी बहादुरगढ़ का, सारे लोकल रूट हैं जो गामा के माँ का विदाउट इस रूट के वो चल रही हैं। इस रूट पर वो चलाई जा रही हैं। इस रूट के टाइम बनाए जाएँ, हम इसलिए आ रहे हैं रोडवेज का टाइम बनाया जाए कम से कम सुबह शाम का और बीच में दो चार टाइम। समस्या ये है जी प्राइवेट जो बसें चल रही है ना इनका देख टाइम टेबल नहीं है कोई भी, कभी बारात लेके जा कभी कहीं जा है, सवारी परेशान हो जाए हैं, टाइम से आती नहीं, लोगों पर रोब जा रहे हैं, हंगे तो बात करें सही व्यवहार होना चाहिए हमारा। तो है एक तो टाइम टेबल सेट हो जाए इनका ढंग से। गुड़गांव के निजी स्कूलों ने 134A के तहत गरीब बच्चों को दाखिला देने से आनाकानी शुरू कर दी है। दरअसल 134A के तहत ये प्रावधान है कि निजी स्कूल कम से कम 10% BPL परिवार के बच्चों को अपने यहाँ दाखिला देंगे, लेकिन नए सेशन 2016-17 में निजी स्कूलों ने खर्चे का हवाला देते हुए गरीब बच्चों के दाखिले पर आनाकानी करनी शुरू कर दी है। इसलिए 11 स्कूलों को ADC ने नोटिस देकर 134A के तहत एडमिशन न देने पर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि जिले में 134A के तहत एडमिशन्स के लिए टेस्ट भी कराए गए लेकिन अब तक सैकड़ों बच्चों का एडमिशन्स नहीं हुआ है।
ऐसे में जिला प्रशासन ने इन स्कूलों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। एडीसी की माने तो एडमिशन ना कराने पर इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रूल 134 ए में जो ईडब्ल्यूएस बच्चों के दाखिले का सवाल है, उसमें हमारे ब्लॉक लेवल समितियों ने टेस्ट के बाद जो बच्चे क्लियर हुए उनको स्कूल्स में रिकमेंड किया है। और जो हमारे चारों खंड हैं गुड़गांव के, उनमें से मुख्यतः गुड़गांव जो शहरी खंड है उसमें इस तरह की समस्या है। मैंने स्वयं इंडिविजुअल लेटर्स लिख के प्रिंसिपल से भी आग्रह किया है कि बच्चों का एडमिशन वो करवाएं। अगर किसी कारण से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो उन स्कूलों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई। झज्जर में एक हरियाली अनेक खुशहाली नाम से उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें पौधारोपण उत्सव को लेकर 2 घंटों के अंदर पूरे जिले में 3 लाख पौधे लगाए गए। हालांकि जिला प्रशासन का टारगेट 2 घंटे में 2.5 लाख पौधे लगाने का था, लेकिन वन महोत्सव को लेकर लोगों का काफी उत्साह देखने को मिला और 2.5 लाख की जगह 3 लाख से भी ज्यादा पौधे पूरे जिले में लगाए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर जोबल पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर कई जगहों पर पौधारोपण किया। वहीं इस मौके पर झज्जर की जिला उपायुक्त अनीता यादव ने सरपंचों के साथ कई गाँव में पौधारोपण किया। मैं तो यही चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, झज्जर हमारा हरा भरा हो। 3 लाख के आसपास है हम पहले टारगेट तो हमारा 2.5 लाख के 2.5 लाख का था, लेकिन अब हम 3.25 लाख। रियो ओलंपिक्स का दूसरा दिन भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए मिला जुला रहा। इसमें सितारों से सजी महिला तीरंदाजी रिकवर टीम क्वार्टर फाइनल में रूस से हार कर बाहर हो गई, जबकि महिला हॉकी टीम ने जापान को ड्रॉ पर रोका, लेकिन निशानेबाजी में हिना सिद्धू नाकाम रहीं। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने कोलंबिया को 5-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन रूस से शूट ऑफ में 5-4 से हार गई। लंदन ओलंपिक में पहले दौर में बाहर होने वाली भारतीय महिला तीरंदाजी टीम पहली बार दूसरे दौर में पहुंची थी। रूस ने हालांकि टाई ब्रेकर में उसे 25-23 से हरा दिया। वहीं 36 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली महिला हॉकी टीम ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद ऊंची रैंकिंग वाली जापान की टीम को 2-2 से ड्रॉ पर रोका। वहीं जिमनास्ट दीपिका कर्माकर ने भी फाइनल्स में जगह पक्की कर ली है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार। We'll be right back.